क्या गुजरात में कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा सिरदर्द बन गए हैं बागी? क्या विधानसभा चुनाव में पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे कांग्रेस के ये बागी? गुजरात विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने गुजरात फतेह के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि इस बार बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन पार्टी को बीजेपी से ज्यादा अपने ही बागियों से खतरा महसूस होने लगा है। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने बागियों से परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस की सिरदर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, खासकर उत्तर गुजरात में जिसे कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। मोदी की मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस इस इलाके में अपना परचम फहराती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस की राहें यहां मुश्किल दिखाई दे रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार कांग्रेस के करीब 19 बागी चुनावी मैदान में हैं और ये बागी कांग्रेस की जीत की राह में रोड़ा बन गए हैं। खबर के मुताबिक उत्तर गुजरात से ही करीब 16 बागी चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के ये बागी पार्टी के लिए बीजेपी से ज्यादा सिरदर्द बन गए हैं। इन बागियों की वजह से उत्तर गुजरात के सभी 6 जिले बनासकांठा, गांधीनगर, अरवली, साबरकांठा, पाटन और मेहसाणा में कांग्रेस का समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां की 32 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से कुछ सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस को बहुत कम मार्जिन से जीत मिली थी, लिहाजा बागी उम्मीदवार के उतरने से कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ गई है। बनासकांठा जिले में तो सभी 5 सीटों पर बागी उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। उधर वडगाम सीट पर भी कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रहे जिग्नेश मेवाणी की राहें आसान नहीं दिख रही हैं। यहां पार्टी के 2 बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उत्तर गुजरात में दूसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे, ऐसे में पार्टी के पास इन बागियों को मनाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन अगर ये बागी नहीं माने तो फिर कांग्रेस की जीत के सपने को जोर का झटका लग सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।